बहुत बहुत खुश हूँ। जब कल बच्चे पतंग खरीदने आएंगे तो मुझे देखकर मुझी से खेलने के लिए लड़ेंगे। अरे वाह, इतनी सारी रंग बिरंगी पतंगे। अरे वाह, लगता है बच्चे मुझे ही देख रहे हैं। चलो हम सब अलग अलग रंग की पतंग लेते हैं। अपनी पतंग चुन ली, अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा, वो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लगती है। इसका रंग अच्छा नहीं लग रहा है उस्ताद, आप ये वाली देखो। हाँ उस्ताद, ये लाल और पीले रंग वाली पतंग बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, ये लाल वाली ले लेता हूँ। तुम दोनों देखना, इस साल मैं सबसे पहले भीम की पतंग काटूंगा। हर साल उस्ताद यही बोलते हैं, पर हमेशा हार जाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं उस्ताद। अब चलो यहाँ से। किसी ने मुझे नहीं चुना, कोई मुझे उड़ाना नहीं चाहता। शायद किसी ने मुझे देखा ही नहीं होगा। मैं उस मैदान की तरफ जाता हूँ। ये सारे बच्चे, ये अब तो जरूर मुझे कोई ना कोई उड़ाएगा। अरे ये आवाज किसकी थी भी? चलो देखते हैं। अलग अलग जगह जाता हूँ इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा मुझे उड़ाने के लिए चुन ले। और अब तो मेरी डोर भी कट गई। इतने उदास मत हो। हाँ हम है ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। मैं सोच रहा था कि इस साल तो मैं भीम को हरा ही दूंगा। ठीक है। पतंगबाजी से इतना थक गई कालिया, चुटकी उसे लड्डू खिला दो। उस्ताद ये बोला था, बच्चों की तरह पतंग मत उड़ाओ, हमारे साथ गुब्बारे उड़ाओ। ये कौन सी जगह है? Ugh.
पहले कुछ फल खरीद कर खा लें। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए। और बाकी का? बाकी का तुम रख लो। रख लो मतलब अब पूरे पैसे दो। पर भैया 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं। सुना तुमने भाई लोग, ये क्या कह रही है? 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं। क्या हुआ? ये क्या शोर हो रहा है? ये बच्चे मेरे फल खाकर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये पागल खाने में डाल दो। देखना पड़ेगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। सारे गांव के लोग एक साथ कैसे सद्बुद्ध हो सकते हैं? गांव में जिस नदी से पीने का पानी आता है उसके मुंह पर नशीले झाड़ लगा दिए गए, जिनकी पत्तियों से नशीला असर पानी में फैल गया है और वो गांव वालों पर भी हो रहा है। तो क्या पागल खाने में वही लोग हैं जो पागल नहीं हैं? हाँ, यदि उन्हें शक हो जाए कि कोई पागल नहीं है और उनकी चाल समझ सकता है तो उसे यहाँ बंद कर दिया जाता है। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। आप सबको सावधान किया जाता है, इस गुफा को सील किया जा रहा है, तुरंत बाहर आ जाए। चुनोगे जरूर पर खान से सोना नहीं, नदी से जहरीली झाड़ियाँ। बस अब एक दो दिन में पानी से असर खत्म हो जाएगा और हमारा गांव पागलपुर नहीं फिर भोलापुर कहलाएगा। और लोगों की मदद करने पर डंडे नहीं पड़ेंगे। मेरे लड्डू हैं मशहूर, सबकी है पसंद, खाए सब जी भर के और मुस्काए मन मन। क्या बात है टुनटुन, बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। यही सही मौका है। अरे वो क्या था, मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमारे सारे गहने कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ भीम, एक उड़ने वाले चोर ने माँ के सारे गहने चुरा लिए। क्या उड़ने वाला चोर, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये सच है, मैंने उसे देखा है, उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। मेरे पास एक तरकीब है कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी, हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे, वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। ठीक है। लगता है वह आस पास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। भीम, मदद करो, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। हम भी उड़ने हैं।
उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे, चोर चोर पकड़ो, मेरे पैसे ले गए चोर। मिशन पानी शुरू। ओह तो ये जाल है, मेरे पंख तो गीले और भारी हो चुके हैं। मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? खेल का सारा समय निकला जा रहा है। मर्जी कैसे, हम कब से इंतजार कर रहे हैं मेरी नई फुटबॉल से खेलने का। तो देते हो पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। अब कहाँ गई ये बॉल और कितना दूर जाऊं? अरे मैं तो प्रोफेसर धूमकेतु के घर तक आ गया हूँ। प्रोफेसर की खिड़की तो टूटी पड़ी है, कहीं इस बॉल से तो नहीं टूटी? बॉल को लेता हूँ और भाग जाता हूँ, प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा कि मैं आया था। बाप रे, ये क्या, भागो! मुझे लगता नहीं है कि कालिया को बॉल मिलने वाली है, ये बॉल भी खो गई दिखती है। आ जाओ। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भी। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने तीन प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। ये कहाँ गए हम? यहाँ तो कोई भी दावत नहीं है। यहाँ तो एक राक्षस है। कालिया और डोलू
मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर इन तीनों को जाने दो। अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, 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 मेरे मामा, मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा और मेला। उस्ताद, हमें भी मामा के साथ मेले में ले जाओ। हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सब चुटकी। मोटा भी अंदर और वो प्यारी चुटकी भी। चुटकी, तुम ठीक हो? टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ। टोपी पुर का राज जरूर इस टोपी महल में है। लाल, पीली, हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। तिरछी टोपी हुजूर, लड्डू और दो नए गुलाम आपके लिए। बहुत अच्छे लाल टोपी, आज कौन सी टोपी पहनूं? तुम जल्दी। नहीं, दोस्त तुम्हारे टोपी वाले नहीं हैं। तुम सबने टोपी पुर को तिरछी टोपी के जादू से आजाद कर दिया। तुम हमारे हीरो। लाल, पीली, हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। तिरछी टोपी हुजूर, लड्डू और दो नए गुलाम आपके लिए। बहुत अच्छे लाल टोपी, आज कौन सी टोपी पहनूं?
टोपी वाले नहीं हैं। तुम नहीं बचोगे, तिरछी टोपी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। चुटकी, चूहा। क्या हुआ मौसी? भीम, वो चुटकी खो गई। क्या? हाँ भीम, एक चूहा लाल टोपी वाला सारे लड्डू खा गया। चुटकी उसे पकड़ ले गई और शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघे फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। ए भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए है कंघिया, कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियां हैं। सबके लिए कंघियां। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियां कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघिया। सबके लिए है कंघिया। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है, उसके पास अलग अलग तरह की कंघिया हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघिया। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है, अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मुकाबले में मजा आएगा।
आज चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधु जन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। चलो। भूख लगी है, अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। काम चोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? डोलू, सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। मसल के रख दूंगा। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। ये। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो प, 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 उस्ताद हम तो कसरत कर रहे थे। कसरत? पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से